हेलो एवरीवन, तो आज हमारे पास कौन सा परफ्यूम है? इसका नाम है लामेल ला परफ्यूम। नहीं, ये उसका अल्टरनेट है जिसका नाम है ग्लेशियर नोवार। ये देखिए, एकदम सेम कॉपी किया गया डिब्बा और ये बॉटल निकली। अच्छा है, बॉटल थोड़ी सी छोड़ दी है। बहुत ही हैवी बढ़िया बॉटल है, कैप बढ़िया है, कैप भी हैवी है, ऐसा नहीं है कुछ चीप सा दिखता है। बस हाँ, थोड़ा सा जिसमें रखा गया है परफ्यूम वो थोड़ा सा चीप ही था, बाकी सब सही है, बढ़िया है। तो इसका नाम है ग्लेशियर नोवार। और ये किसका अल्टरनेट है? जैसा मैंने कहा, ये दो बहुत ही बढ़िया परफ्यूम हैं जिनकी स्मेल इस परफ्यूम में थी और इसका अल्टरनेट बनाया गया है। क्या कहने हैं, तो जो दो अभी तक के इस ब्रांड के सबसे ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन परफ्यूम थे, कौन से थे वो दो? एक था लामेल और दूसरा था अल्ट्रामेल। तो इन दोनों को कंबाइन करके लामेल परफ्यूम बनाया गया, जो मुझे वाइब्स मिलती हैं उन दोनों में उसके साथ। तो ये एक्चुअली लामेल परफ्यूम का अल्टरनेट है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा बहुत ही जल्दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ वीडियो एंड कर दें। तो जो लोग नए हैं और जो लोग पुराने हो गए हैं, मेरे वीडियोस देखते हो, अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें लगती हैं और फ़ायदा मिलता है इससे, तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे मेरा वीडियो और हम सब भाई लोग अच्छा अच्छा महके और अपनी मंजिलों तक पहुँचते रहें परफ्यूम के द्वारा। तो इस परफ्यूम की बात करते हैं, तो कितना क्लोज है ये एक्चुअली, अगर मैं कहूँ परफ्यूम के मामले में, सेंट के मामले में, ये 90% क्लोज है, 90% ये ओरिजिनल के पास है। जो लोगों को पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने हैं वो लोग इसे आंख मूंछ के ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है ओरिजिनल लेने की। मतलब मैं ये इस वीडियो में बोल रहा हूँ, ओरिजिनल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये उससे बेटर काम करेगा, उससे ज़्यादा लास्ट करेगा, उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट करेगा और उससे ज़्यादा अच्छा महकेगा, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। और उस पे अगर आपको दो कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं दिन भर में, तो इसमें इस पे चार मिलेंगे, मेरी गारंटी है। और अगर उस पे एक भी नहीं मिला है आज तक, तो इस पे एक मिल जाएगा। तो लास्टिंग आराम से 8 घंटे है, और 8 से 10 घंटे, बल्कि प्रोजेक्शन अच्छा है, सियाज अच्छा है, मतलब ये एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट गेटर और क्राउड प्लीजिंग गेटर परफ्यूम है ओरिजिनल, और ये उससे भी अच्छा बनाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लेंड ज़्यादा अच्छा किया गया है या इंग्रेडिएंट जो यूज़ करे गए हैं वो ज़्यादा अच्छे यूज़ करे गए हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट ये उससे बेटर काम करता है हर चीज़ में, किसी भी, चाहे वो लास्टिंग के मामले में ले लें, चाहे प्रोजेक्शन के मामले में ले लें, चाहे स्मेल के मामले में ले लें और चाहे कॉम्प्लीमेंट के मामले में ले लें, ये एक बढ़िया मास प्लीजिंग परफ्यूम है जो मैक्सिमम 80-85% लोगों को पसंद ही आएगा। ये वैसा परफ्यूम बनाया गया था और वैसे ही ये भी है। तो प्रोजेक्शन भी इसका स्ट्रॉन्ग है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। क्या ये सिर्फ विंटर में यूज़ करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं तो इसे बरसात के मौसम में भी यूज़ कर लेता हूँ, जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है मैं इसको इजीली यूज करता हूँ। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये बहुत हाइप परफ्यूम है, मैं नहीं खरीदूंगा। तो मत खरीदो ना ओरिजिनल, अल्टरनेट ले लो, सस्ता पड़ेगा, आंख मूंछ के ले लो, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जब लोगे तभी पता चलेगा कि मैं क्यों इतनी तारीफ कर रहा हूँ और क्यों मैं पुश कर रहा हूँ कि ये ले लो, क्योंकि ये दिसंबर जनवरी के मौसम में लगाने वाला परफ्यूम नहीं है, ये अक्टूबर नवंबर में लगाने वाला है, जब ठंडा मौसम शुरू ही होता है तो उस टाइम पे लगाने वाला परफ्यूम है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसके में और ओरिजिनल के में नोट्स में क्या फ़र्क है, तो
ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। मेन मेन नोट जो मुझे इसमें स्मेल करने पे आते हैं, एक तो सबसे ज़्यादा मैं कहना चाहूँगा वनीला, स्पाइसेस और वुडी नोट्स, ये मेन जो मुझे स्मेल करने में आते हैं। आयरिश की स्मेल है और ये कुछ कुछ नोट्स हैं जो मुझे प्रॉम्प्ट पूरे परफ्यूम में मिलते रहते हैं, जिनकी वजह से अच्छा भी महकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्लेशियर के ऊपर हाथ मारिए और ख़रीद लीजिए। और मिलते हैं ऐसे ही एक बढ़िया परफ्यूम के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।